पड़ेगा सबको, ये करना पड़ेगा। आप लोग वो चीज को पहले का भूल गया है, ऐसे मत बोलिए। बोलो जो जितना ऑफिसर जो 170 करोड़ जो सेंटर जो को पैसा को खा के जो कैपिटल में बहुत बड़ा बड़ा घर बना के बैठ रहा है, बोलो सोचता है कि हम बहुत धनी है। अच्छा काम करके नहीं लिया ना, घटिया सा काम करके जबरदस्ती झूठा करके बेला फुसला के नकली का करके रेप करके पैसा लेकर यहाँ पे जो कैपिटल में बड़ा बड़ा बंगला बना के बैठ रहा है, हीरोगिरी कर रहा है। रोड बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना रहे? कब तक? अरे इस कमिंग का रोड है यार, चैन का जो का रोड नहीं है। 107 किलोमीटर काम करना था, अभी तक 40 किलोमीटर काम ही नहीं किया है, पैसा पूरा खत्म हो गया। जो जो ऑफिसर काम करके पैसा लूटा है, अब पैसा को रिफंड करना होगा। आज यू लोग चुप नहीं बैठेगा, रिफंड करना होगा। ऑफिसर लोग कुंडिकल लोग लुट के यहाँ में मॉल बंगला, अपना प्राइवेट वाल का दाम, एक वाल का कोर्स है 30-40 लाख करोड़, एक गेट का दाम है 50 लाख। ये क्या है? इमन तिवारी साहब ने बोला कि 3 महीना का अंदर में ये रोड का केस खत्म कर देगा बोला। अभी 3 महीना 2 साल हो गया, अभी क्यों ऐसा खत्म नहीं कर रहा है? कागज डिटेल मिल रहा है कि मैंने ये पैसा को कहा, ये करप्ट किया, लेकिन ऐसा ऐसी जो क्यों जान मुझके देखिए मैंने नहीं देखा ऐसे कर रहा है। और ये 20 करोड़ को जो कहने के लिए जो ये डिपार्टमेंट और जो कुछ हमारा कुछ एमएलए जो प्लानिंग किया है, प्लानिंग कैसे किया हम बताएगा? चाहे वो लीडर हो, एमएलए हो, जिला हो, फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर जिला हो, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर हो, जर्नलिज्म हो, प्रोफेशन एनीथिंग, जो इस तरह का मुद्दा कोई उठाता है उसके सपोर्ट में सब लोग उतरना चाहिए। क्या आपका बच्चा मोबाइल की लत का शिकार है? डॉक्टर्स के अध्ययन से पता चलता है कि मोबाइल की लत कारण बन सकती है एकाग्रता में कमी, असामाजिक व्यवहार, चिंता, नींद की अनियमित आदतें। क्या आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे के मोबाइल के इस्तेमाल के समय को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास समय नहीं है या आप काम पर जाते हैं? चिंता न करें, जैसा कि हम यहां आपको समाधान प्रदान करने के लिए है। हमारा सॉफ्टवेयर आपको अपने मोबाइल से अपने बच्चे के मोबाइल उपयोग को नियंत्रित करने की अनुमति देगा। आप अपने बच्चे के लिए मोबाइल उपयोग के समय को सेट कर सकते हैं और यहां तक कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उसके स्थान को भी ट्रैक कर सकते हैं। कॉल साइबर चाइल्ड केयर ऑन 8974692778 एंड 7085525532 RWD कॉलोनी ईटानगर। एक आवाज बहुत जरूरी है हम लोग अपलिफ्टमेंट के लिए। जब हम लोग एनईसी रोड को देखता है, सेपातो चैंग तोजो रोड को बचपन से हम सुन के आया है। आई बिलोंग टू पाकी के संग, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई एम कनेक्टेड टू चैंग तोजो सर्कल। मेरा पैटर्नल मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स अभी तक वहाँ पे है। तो ऑन बिहाफ ऑफ आपसू, आपसू की तरफ से हम आया है। आई ऑल्सो स्पीक विद आवर दिस प्रेसिडेंट आपसू, हमारा दोजी तना तरह से भी हम बातचीत हुआ है कि आवर सॉलिडरिटी डायरेक्ट गोस टू दिस प्लेटफॉर्म, एक डायरेक्ट सॉलिडरिटी जाता है आपसू की तरफ से। तो ये यहाँ पे देखने से, एनईसी रोड की तरफ से देखने से हमको क्या लगता है कि पीपल आर पब्लिक, कॉमन पीपल आर द मोर सफरर। रास्ता नहीं बनता है तो मेडिकल इशू वाला लोग को ज़्यादा हैम्पर होता है, एजुकेशन को हैम्पर होता है। तो इसी के चलते ये जितना भी चार तरफ डिमांड है, आई बिलीव दैट कि चार तरफ डिमांड तो बहुत सुंदर से दिया हुआ है ना। माय रिक्वेस्ट गोज टू दिस SIC टीम, SIC को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग मीडिया का माध्यम से, प्लेटफॉर्म का माध्यम से हम चाहते हैं कि आप लोग इसको जल्दी से जल्द से जल्द जस्टिफिकेशन और कितना भी इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। उसके बाद आई बीइंग ए वुमेन हम महसूस कर सकते हैं, बेचारा इतना सारा लोग है, लकी लोग है, स्पेशल जो प्रेग्नेंट वुमेन लोग आता है मेडिकल चेकअप करने के लिए आता है। सेफा में तो पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, आजकल सेफा में हो रहा है। अभी तो पहले तो पूरा ईटानगर निकलता था, और रास्ते का हालत तो देखा है कैसा है बोलते, हम तो डेली कम्यूटर है, अभी वहाँ पे जाते रहते हैं। तो उसी का चलते मेरा एकदम दिल से सॉलिडेरिटी देता है कि ये इशू बहुत जेन्युइन है और जल्द से जल्द होना चाहिए, इसका जितना भी है एकदम कम्प्लीशन होना चाहिए बोल के। और इतना तो ज़्यादा बात नहीं बोलेगा, आप लोग का बहुत सारा स्पीकर भी है बोल के, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। वही कहना चाहता है कि आप स्टैंड फॉर यू पीपल, हम लोग जब भी आप लोग जरूरी होगा आई विल बी देयर, हमारा दिन भी आएगा बोल के। लास्टली जाते जाते ये कहेगा कि
एक्सू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक्सू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लॉन्ग लिव एक्सू, लॉन्ग लिव एक्सू। थैंक यू सो मच। तारीफ करते हुए मैं आज यहाँ कैपिटल में आप लोग इस कमिंग से लाख लाख कर यहाँ पे आया है। तो कैपिटल में अभी आज एक्सु का जो मुड्डा को लेकर आया है सच में, हम एज ए बोन एंड ब्रॉथ चैंग जो एरिया का होने नाते, वहाँ का सीनियर स्टूडेंट्स होने के नाते, मैं यहाँ पर सच में आप लोग का ये जो रैली को मैं दिल से साथ देने आया है। तो थैंक यू वेरी मच इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैं ज्यादा यहाँ बोलने के लिए नहीं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मेरा एक दो शब्द बोलने से पहले हम ये बोलना चाहता है। देखिए चयनता जो रोड जो एक महान ज्ञानी, एक महान ज्ञानी हमारा जो एक हिल्डर ने कहा है, सच बात है। चयनता जो रोड को आपको सैटेलाइट से दिखाई देता है वो क्या है बोलने से, सबसे गर्व सबसे गंदा रोड में से वो नाम में जाना जाता है बोला, ये सच है। इसलिए चैंगजो का कहानी को अगर रोड का कहानी को सोचने से यहाँ पे नहीं समझने वाला बहुत होगा, लेकिन चैंगजो में ऐसे है। सिर्फ अभी जो रिसेंटली जो बोर्ड लोग सोचते हैं रिसेंटली जो मतलब 20 करोड़ जो अनाउंसमेंट हुआ सीएम साहब ने उसका बारे ऐसे नहीं है, आप लोग को क्लियर कट बताना चाहता है। 170 करोड़ जो पैसा जो वहां पे जो उसको खाने वाला का कहानी को आपसे सबसे पहले बात जानना है। वो लोग कहाँ है अभी, वो लोग कहाँ है अभी, वो लोग को किसने SIT या वो सब इन्वेस्टिगेशन नहीं करके वो लोग को छोड़ के रखा है, क्या रीजन है? हम तो वही बोलेगा वो लोग जो जितना ऑफिसर जो 170 करोड़ जो सैनता जो को पैसा को का के जो कैपिटल में बहुत बड़ा बड़ा घर बना के बैठ रहा है, वो लोग सोचता है कि हम बहुत धनी है। वो लोग एक्चुअली हम लोग चाहता जो का रोड को रेप किया है, पैसा को रेप करके लेकर यहाँ में बनाया है। क्योंकि रेप बोर्ड इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि हम लोग सेंटीमेंट हो चुका है, इसलिए वो लोग मतलब अच्छा काम करके नहीं लिया ना, घटिया सा काम करके जबरदस्ती झूठा करके बेला फुसला के नकली का करके रेप करके पैसा लेकर यहाँ पे जो कैपिटल में बड़ा बड़ा बंगला बना के बैठ रहा है, हीरोगिरी कर रहा है। बोलो से हम तुम सोचता है कि मेरा पास एक अपना एक कच्चा घर होने से बोलो से हम धनी सोचते हैं। इसलिए उस उन लोगों को छोड़ना नहीं है जो पहले पैसा को काके अभी तक इतना घटिया होके रखा है। और रेस जो ये है अभी जो चैन का जो ऐसे रोड है, आप लोग को बताना चाहेगा हर करप्टेड ऑफिसर जो हर करप्टेड पॉलिटिशियन जो वहां में मतलब हमेशा केस जीतता है, वहां पे जो कलवर बनाने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर भी केस जीतता है, लेकिन वो केस इसलिए क्यों जीतता है समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां में तो एक भी चीज अच्छा नहीं है, सब चीज कुछ भी सिस्टम में नहीं फिर भी केस जीतता है, इसका क्या रोल है हम लोग समझ में नहीं आया। इसलिए एक सू जैसे प्लेटफॉर्म जो आज आवाज उठा रहा है हम वही बोलेगा। देखिए एक को छोड़ के आप एक को बार नहीं करेगा, वो 170 करोड़ से जो खाने वाला को भी मत छोड़िए, उसको नहीं बोल के अभी जो सिर्फ नया खाने वाला लोग को भी सिर्फ बोलेगा बोले से भी नहीं होगा। आप वहां से पूरा जितना कहीं भी भगा होने से भी कुछ भी अपना सब कुछ बदल के भगा होने से भी वो पकड़ना है, सबको जेल में जाना पड़ेगा, सबको ये करना पड़ेगा। आप लोग वो चीज को पहले का भूल गया ऐसे मत बोलिए। एक सौ जो ये लेता है तो कम से कम उसको सीरियस लीजिए हम सोचते हैं। और दूसरा बात है ये हम बोलेगा अभी जो आप लोग ऑलरेडी जब ये इशू को ये ले रहा है तो आदमी को आई वॉज के लिए सिर्फ जस्ट एक नमूना के लिए मत उठाइए, हम तो बोल रहे हैं। अभी सोल जो हमने बोला जो सपोर्ट करके आया है तो आई वॉज के लिए सिर्फ ये हम लोग लास्ट हम लोग का टेनोर भी लास्ट हो रहा है, जस्ट दिखाने के लिए कर रहा है बोले से ठीक नहीं होगा। आप लोग एकदम जोर दे जो भी हो कुछ आप लोग का ये टेनोर खत्म से पहले ऐसे एक बम ब्लास्ट कीजिए ताकि मतलब ये जो काम आने वाला जो आप लोग का टेनोर का बाद आने वाला भी ये आवाज को कंटिन्यू कर सकने के लिए। और
लास्टली हम यही बोलेगा, देखिए हम एज ए यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आंशु का तरफ से अगर करता है तो हम तो वही बोलेगा, एक शो आप लोग ये मोमेंट को स्ट्रॉन्गली करता है तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल में जो आंशु जैसे आपसू जैसे एक प्लेटफॉर्म में रहने वाला लोग और आंशु जैसे आपसू जैसे प्लेटफॉर्म में आप लोग अगर उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको अगर आप लोग का इशू को रिड्रेस करने के लिए आप लोग अपील करता है तो नो डाउट हम लोग क्यों साथ नहीं देगा, हम लोग साथ है। लेकिन आपका इशू को आप जो चला रहे हैं तो आपका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ जस्ट हमने ऐसे कर दिया या धरना कर दिया आज खत्म हो जाएगा ऐसे कर, सिर्फ इसका अगर आप लोग चुप बैठ रहे हैं बोले से इसका मतलब होता है कि आप लोग दिखावा किया। ऐसे नहीं होकर अगर ये इशू को सच में ये चैन का जो कर रोड जो बोलने से सबका एक लाइफ लाइन है, सब लोग मर चुका है वो से, जितना भी अभी तक अपर बेल में इस कमिंग अपर बेल में डेवलपमेंट नहीं है बोलने से बिकॉज ऑफ चैन का जो रोड, सबका रीजन वही है सिर्फ, अदरवाइज यहाँ में नहीं, इसलिए सबका सेंटीमेंट वहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस सेंटीमेंट के साथ आप अगर एक्चुअली जो एक बिलीफ को लेकर ले जा रहा है तो उस बैरियर बन रहा है तो आप उसको जस्ट दिखावा के लिए मत कीजिए, वही हमें फील करेगा एज ए सीनियर। हम लोग साथ रहेगा हमेशा और यही हम बोलेगा जितना भी आने वाला पल में जो एक्शू जो जी इशू को कदम उठाता है तो हम तो सोचता है जितना भी पब्लिक है स्पेशली चैन का जो बामिंग है यहाँ जितना भी ऊपर बेल में जाने वाला सब लोग इसको पॉलिटिकली नहीं देखकर सब लोग साथ देने से ठीक है। लास्टली यही बोलेगा जो जो ऑफिसर जो पैसा खाने का बात ये बोलता है मेरा अपना आदमी लोग को मत जाओ बोलता है ना वो आदमी लोग चाहता जो मैं बैठकर भी नहीं निकलता है वो से, वो सबसे फालतू आदमी है हम बोलते हैं। और दूसरा बात है ये जो चाहता जो कर रोड को पहले स्टीयरिंग कमेटी क्या क्या कमेटी बन के बोलता है आज का है वो कमेटी, ये सब को एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए आज दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप लोग जो अच्छा कर रहे हैं और इसको मत छोड़िए, लेकिन ऐसे डाउट भी होने मत दीजिए कि मतलब हम लोग को कल को सुनाई नहीं देना कि मतलब एक्सयू एजुकेटिव मेंबर्स ने इस इशू को भेज दिया है ना। थैंक यू वेरी मच। करके टुकली कर किया तो तुम लोग ये पैसा खाने के लिए तुमने टुकली किया था क्या ना? और तुम लोग जो इंटेलेक्चुअल करते हो तो बेवकूफ पे इंटेलेक्चुअल हो ना, आन पर पढ़ के भी आन पर गवार साला है भाई, शर्म करो तुम लोग। उस जगह में हम लोग को ये जगह पहुंचाया कौन? तुम लोग ना, मैं तो बोलेगा प्रैक्टिकल भी बोलेगा अभी भी बोलूंगा ना, अभी भी बोलेगा और कल भी बोलेगा, लेकिन शर्म करो उसको ना, शर्म करो उस चमचावल को। अभी जो अरे एक दो रुपए जितना खाना है तो खाओ ना, लेकिन रोड बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना रहे कब तक? अरे इस कमिंग का रोड है यार, चैन का जो का रोड नहीं है, अरे बामिंग भी होता है 19 किलो तो डेम सपा का भी है, मिडिल जोन नौ का भी है और बामिंग का तो सबसे ज्यादा है, हमारा चैन का जो है 22 किलोमीटर है, अरे 81 किलोमीटर में से इतना है और क्यों चैन का जो नाम लेता है? अरे तू टुकली कराएगा अभी हीरोगिरी बनने से होगा क्या? हम मानेगा नहीं चीज को ना, हम मानेगा नहीं और होगा भी नहीं है, चाहे हम तो खून भी देने वाला, कितना लोग मरा मर गया, कितना लोग मर भी गया, कितना लोग ये भी हुआ है ना, लेकिन उस आदमी लोगों को मैं अभी पूछता हूँ, मैं जरूर पढ़ूंगा, पूछना चाहिए कौन इंटरिम कमिटी का में है, आजाद बगन का है, कन्या तुंगी का है, कुमार ताजो का है, दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो कुछ कुछ के बनाना चाहिए ना, वो तो बनाना पड़ेगा ना, कुछ कुछ के बनाओ, अरे वो अभी क्या कहा इंटरिम को भी कहा से एक सिंह को क्यों आने दिया है साला, आम पर गवार पढ़ा लिखा आम पर गवार लो साला, साला ये स्थिति में क्या बिच रहा है, क्या अपने इशू आ गया यहाँ तो क्यों लेके आने दिया? अरे ये हम ज्यादा नहीं बोलूंगा और ज्यादा टाइम कम से बोला ना, एक दो बात शेयर करता हूँ मैं, चैन का जो आदमी हम लोग जो इंटेलेक्चुअल रियल इंटेलेक्चुअल मैं उसको मैं चुनौती देता हूँ जो कर रहा है ना, अभी घर घर में वकील हो गया, घर घर में डॉक्टर इंजीनियर हो गया चैन का जो में,
सुनो, घर घर में इंटेलेक्चुअल हो गया, सब पढ़ा लिखा, खा पढ़ना, दिल्ली बम्बे में सब पढ़ता है। मालूम जो रेस्पेक्ट करना था कर दिया, और नहीं करेगा। जो मेरा रोल नहीं है तो कुछ नहीं है। अभी देखो इस कामिंग में इतना रोल बन गया, घर घर में, घर घर में तो पूरा पूरा देखो गांव गांव में रोल हो गया। ये क्या हाल खतरा हो गया। लेकिन बेचैनता जो भी क्यों रोल नहीं है ना, वो ज्यादा ज्यादा टाइम दूंगा भी देखो। लेकिन मैं इतना बोल दूं, एक वो भाई जाकर थैंक यू, और लेकिन जारी रहो ना। समय एक बार मिलता है आदमी हीरो दिखाने के लिए ना, एक बार वो होता है समाज के लिए काम करने का, एक बार मौका मिलता है करिए। हम आपका अन्या जोरम बैरम जोरम साथ है, आरिबगम साथ है, आई सदा साथ है, हम साथ है ना, मेरा टीम साथ है। जयंता जो ये रोड का बारे में मैं काफी नॉलेज है, तो मेरा वो नॉलेज को जनता जो रोड कैसे हुआ था थोड़ा डिटेल कहानी बताना चाहता हूँ आप लोगों को। 2006 में जनता जो रोड जो शुरू हुआ था, 2008 को टेंडर जो गेमोन इंडिया ने कॉन्सेप्ट और लिया था, उस समय में हम जनता जो यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का हमें प्रतिदिन था। उसके बाद हम 9 ईयर्स प्रतिदिन बना चंगदा जो एरिया में, तो उसके बाद हमको पब्लिक ने चुना पंच लीडर। तो चंगदा जो ब्लॉक में हम जो 5 ईयर्स ब्लॉक चेयरपर्सन रहा, तो हम लोग रेजुलेशन बनाया था तीनों एमएलए के साथ में, अजय तपू का साथ में, अजय कुमार का साथ में, करिया मैडम का साथ में हम लोग रेजुलेशन बनाया था। ये चंगदा जो रोड का पैसा को कोई भी चुना नहीं है बोल के, तो अपना माँ का सामान, दीदी बहन का सामान पैसा का रूप में नहीं दिखना है। वो जनता जो शेपा उसका रोड का पैसा को माँ का सामान, दीदी बहन का सामान दिखना है, पैसा का रूप में नहीं दिखना है बोल के हम लोग रिजोल्यूशन बनाया था। इसलिए हम अभी तक एक्चुअल आप लोग आते करके निकला है मेरा, हम ब्लॉक चेयरपर्सन 5 ईयर्स रह के भी मेरा कुछ ना एक रुपया उसमें हम चुआ है, आप लोग दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हम बहुत गुस्सा है। हम तो 90 करोड़ 52 लाख में गेमोन इंडिया ने कौन तक वोट लिया था, तो सही ढंग से किया ही नहीं हो। तो उसके बाद किरण रिजिजू जो चैंताजो में आके फिर एडिशनल जो 66 करोड़ दिया, तो उसको तो वो कंपनी को दिया जो वो कंपनी का नाम है कि GECPL, बिना टेंडर में 66 करोड़ को बिना टेंडर में GECPL कंपनी को दिया, तो बिना टेंडर में। तो उसको वो कंपनी का फॉर्म में बिल नहीं बना के XYZ बीबी का नाम में, बच्चा का नाम में असम से फॉर्म हायर करके इतना फॉल बिल बना के और इतना पैसा को करोड़ पैसा को उतार लिया। तो हम खुद ही चाहता जो एरिया में हम ब्लॉक चेयरपर्सन में रहते हुए भी तो ऐसे काम कर रहा है बल्कि हम मालूम नहीं था। तो हम एक खुद ही लीडर था और हम आते ही क्यों करेगा सोच के, तो हम आते भी नहीं किया था लो, एक्चुअल आते ही करके तो सच्चाई को निकलने के बाद हम भी गुस्सा हो गया। तो उसके बाद यहाँ से SIC डैम जो चंगदा जो में विजिट किया है, एक्सुलो लेके आया, तो फिर CM पेमा खांडू और ये किरण रिजिजू चंगदा जो में 23 नवंबर 2021 को आया था, तो आके फिर अनाउंस किया CM खुद ही कमिटमेंट दिया था 20 करोड़ एडिशनल देगा, रिमेनिंग पैसा जो 172 करोड़ से रिमेनिंग जो 21 करोड़ रिमेनिंग है और 20 करोड़ और एडिशनल कर देगा बोल के 41 करोड़ से सेफा तो चंदा जो रोज जो क्लियर नहीं होता बोलने से बीजेपी तक लेने वालों को बहुत मत मारो, बहुत मत दो बोल के वो कमिटमेंट देखे चंदा जो, उसका वीडियो क्लिप्स भी है, तो कमिटमेंट खुद ही वो देखे
किया था। चंदा जो पब्लिक विश्वास है पक्का पहुंचे 41 करोड़ से, तो टोटल जो 192 करोड़, तो रिमेनिंग जो 21 था उसमें 20 करोड़ एडिशनल दे देगा उनके। 41 करोड़ से चंदा जो रोड नहीं बनता बनने से बीजेपी टिकट लेने वाला बहुत मत दो बोल के वो कमी मैंने देखे गया था। तो डीपीआर में क्या बनाया, डीपीआर में बनाया है कि 20 करोड़ को डीपीआर में से बनाया है कि लाइबिलिटीज पहले कम करके रखा। लाइबिलिटीज है वो पैसा को उतारने का सिर्फ लेने के लिए लाइबिलिटीज है बोल के डीपीआर ऐसे बनाया। तो एनओआर जो अलग और डीपीआर में अलग, तो बोलता कुछ करता कुछ, तो उसको हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एक्चुअली हम लोग आगे बढ़ो, हम लोग पब्लिक पूरा साथ है और हम लोग छोड़ेगा नहीं है। और हम लोग चाहता जो एमएलए को अगेन नहीं है और बीजेपी गवर्नमेंट को अगेन नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट को हम लोग अगेन है और डेवलपमेंट को हम लोग चाहिए और करप्शन का हम लोग अगेन है। और हम लोग लीडर बनाया है और धरने का वो नहीं है, हम खुद ही हम एमएलए का खुद ही वर्कर है। और हम लोग लीडर बनाया है कि डेवलपमेंट को लाने देने के लिए, काम को डेवलपमेंट को फॉरवर्ड करने देने के लिए हम लोग बहुत मारा है। और काम को भी बहुत किसी को भी मारेगा और एमएलए को भी साथ देगा तो डेवलपमेंट को चाहिए हम लोग, जो डेवलपमेंट साइडम से निकलेगा ना, जो पास्टर है मिशनरी है और हम लोग दोनों पोलों का वो कराने वाला लो और अच्छे से कराना पड़ेगा। जो अच्छे से नहीं कराएगा ना उसको कोई भी विश्वास नहीं करेगा। थैंक यू। अरुणाचल में अभी जो रेवोल्यूशन जो ला रहा है शुरुआत कहाँ से हो रहा है? इस कमिंग से हो रहा है, जहाँ एज पर माई नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन हम चाहते हैं इस तरह का रेवोल्यूशन जो अरुणाचल प्रदेश में हर कॉर्नर से निकलना चाहिए, हर विलेज से, सर्कल से, ब्लॉक से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ऐसे आना चाहिए। जैसे इस कमिंग का स्टूडेंट यूनियन लीडर जैसे वहाँ का जो बामिंग चैंग जो स्टूडेंट यूनियन, इस टाइप का रेवोल्यूशन आना चाहिए। ये एक लिमिटेड लड़ाई नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये रेवोल्यूशन जो नॉट ओनली कन्फाइंड इन चैनता जो एरिया और बानिंग एरिया और ईस्ट कमिंग, दिस इज द रेवोल्यूशन फॉर अरुणाचल प्रदेश। रियल में रियल रेवोल्यूशन ये है जो करप्ट ऑफिसर के साथ में एफ आर लॉन्च करता है, केस SIC में रजिस्टर कराता है, करप्ट पॉलिटिशियन कब MLA मिनिस्टर मंत्री को एफ आर लॉन्च करता है, उनका जो मोस्ट करप्ट लोग का पॉलिटिकल करियर भी खत्म करने वाला दिखाई दिया है हमारे जो अभी अरुणाचल प्रदेश में, खास के इस कमिंग वासियों, जो इस कमिंग का नौजवान यूथ लोग, यू पीपल आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर सो करेज, यू आर सो ब्रेव, यू आर द फ्यूचर ऑफ स्टेट, फ्यूचर इज द हैंड ऑफ द यूथ। आप लोग जैसा होना है और मैं चाहता अलग अलग अरुणाचल प्रदेश में 25 डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग नहीं सोचना है ये इश्यू जो इस कमिंग का है, ये मैसेज जो अरुणाचल प्रदेश का जितना भी पब्लिक है, आम आदमी, माँ पिताजी, पेरेंट गार्जियन, जो यू एजुकेटेड आदमी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये जो 9 जो NEC रोड इश्यू जो इस कमिंग का कंफाइन इश्यू नहीं है, अभी स्टेट इश्यू है, ये स्टेट इश्यू है। इस तरह का सारा जगह में वोट घोटाला है, क्राइम करप्शन हुआ है, काम नहीं करके वोट पैसा घोटाला करने वाला रोड है। एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, ये दोनों लोग टू कामले का एक NEC रोड है, सुपर चैन का जो जैसा ही है, वो भी 2008 में दिल्ली से सेंशन करके आया वाला, ये कामले डिस्ट्रिक्ट नोट करना है, वहां का पब्लिक, वहां का आम आदमी, दापोरी जो ये साइड का अरुणाचल का लोग, 107 किलोमीटर काम करना था, अभी तक 40 किलोमीटर काम ही नहीं किया है, पैसा पूरा खत्म हो गया, जबकि 136 30+ करोड़ का पैसा था, उसको कम अभी ब्लड टॉपिंग ड्रेन नाला ब्रिज बना के करना था। अभी कामले का जो रोड प्रोजेक्ट भी डिफंग है, लाइक चैन का जो NEC रोड, उसको भी पिकअप करना होगा। अभी जो जो ऑफिसर काम करके पैसा लूटा है, अब पैसा को रिफंड करना होगा। आज
आज ये लोग चुप नहीं बैठेगा। रिफंड करो ना ऑफिसर लोग, गुंडे का लोग लुट के यहाँ में मॉल बंगला, अपना प्राइवेट वाल का दाम, एक वाल का कोर्स है 30-40 लाख करोड़, एक गेट का दाम है 50 लाख। ये क्या है? एक सिंपल सा बाबू है, सलारी है 30-40 thousand, या तो 1 लाख का सलारी खाने वाला आज करोड़पति, इतना धन दलाल है, काउंटलेस ऑन अकाउंट है, हर जगह में पड़ा हुआ है। स्पेशली अभी जो दलमुक्त कमरे का को भी बोलना चाहूंगा पब्लिक को, आप लोग जो जो ऑफिसर वहां काम किया उसका डिस प्रपोजल ऐसे निकल, कहां कहां एस्टेब्लिशमेंट किया है, फोटो खींच के अपलोड कीजिए सोशल मीडिया में, जानेगा हम लोग कौन कौन इतना लुटा है, कौन की तरह जो भी है। चैन ताजो का भी ऐसे करना है। आज चैन ताजो को सुबह सुबह हम लोग सोशल मीडिया में मिले गया था, आज को फोरम है जहाँ में सारा पब्लिक इस कमिंग का ऑफिसर है, पॉलिटिशियन लेडर है, मिनिस्टर है, मिले पूरा वहां बैठा है। मैंने रिक्वेस्ट कर किया है आप लोग जो जो पैसा खाने वाला वही फोरम में बैठा हुआ है, तो मैंने बोला है कि आप लोग 100% रिफंड जो इम्पॉसिबल है, लेकिन 50% फोन को तो रिफंड किया जा सकता है। लाइक 101 करोड़ कोई काम नहीं करके पैसा लुटा है तो 50 लाख तो वापस दे सकता है, पब्लिक के लिए, रोड कंप्लीशन के लिए, प्रोजेक्ट को फिनिश के लिए, ये तो सेक्रीफाइस दे सकता है ना। जो पैसा वहां इन्वेस्ट किया गया दिल्ली से आओ या अरुणाचल प्रदेश एडिशनल फंड आओ, किसका पैसा है? वो हम लोग का पब्लिक का पैसा है, टैक्स पे मनी है। बीप में जो काम काज है आप लोग जितना लूट पुट करके आता है वापस कीजिए और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने दीजिए, ना कि वहां में एक बार सीबीआई हाईकोर्ट में कोई पिटीशन फाइल करेगा, पीएल मारेगा, सीबीआई भी आ सकता है, ईडी भी आ सकता है, ये पैसा कौन खा गया? ब्लैक मनी का लॉन्ड्रिंग केस रजिस्टर का इंक्वायरी करेगा, उसका बिल्डिंग को पकड़ेगा, एवल्यूएशन करेगा, कितना पेट्रोल पंप खुला है, कितना बिल्डिंग वाल मॉल बंगला बना है, वापस भी करना पड़ेगा। वो मौका नहीं देते हुए आप लोग वहां में रिफॉर्म करने से कितना अच्छा होगा, खास के हमारे जो लीडर लोग है और वहां का ऑफिशियल लोग है, कितना बार ऐसे प्रोटेस्ट मौका रहेगा, रैली करे, कंप्लेन एफआईआर रोज रोज, बच्चा लोग को पढ़ाई में टाइम देने का जगह में, काम काज नौकरी में, कोई मन विशेष कुंतिक जगह में टाइम नहीं देने जगह में, यहाँ में हम लोग को रोज प्रोटेस्ट करने देना, हालात करने देना, पैसा रिसोर्स यहाँ देने देना। आप लोग का जो डिसऑनेस्टी का कारण से, आप लोग का जो गंदा काम इविल काम का कारण से, इविल प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस कारण से आज हमारे नौजवान सफर हो रहा है, आज कैपिटल तक में आके ऐसे इतना मना आवाम मुचा रहा है। तो काज के हमारे जो अभी एक चीज भाई भाई बहन आप लोग को जाना, जिसमें मेरा आदमी सोता है, मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, आपका भाई बहन करप नहीं पाना है, सच्चाई को सच्चाई प्लेटफॉर्म में बोलना है। चाहेंगे जो एनईसी रोड को इतना बड़ा पब्लिक का कंप्लेंट है, एक शो लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, वहां में बहुत सारा स्टेयरिंग कमेटी बनाया है, स्टेयरिंग कमेटी को कितना पी डब्ल्यू का इंजीनियरों का साथ मीटिंग वीटिंग करके कितना गाइड किया, रोड प्रोजेक्ट कौन कौन कंपनी में ले गया, सब का न्यूज को सुन सुन के हम थक गया था। तो इसलिए यहाँ में एसआईसी में एक एफआईआर लॉन्च करके 2018-19 में फॉलोअप किया है, हमारे जो स्टूडेंट बॉडी ने बहुत प्रेशर दिया है, हालांकि किया तो केस रजिस्टर हो गया, अरेस्ट भी हुआ है, 3-4 एग्जीक्यूटिव इंजन को अरेस्ट करके लिमिटेड कर दिया, करना था जेई को भी, एई को भी, कुंडिक टोबी को करना चाहिए था, लेकिन यहाँ में नहीं किया गया है, यहाँ में मतलब बायस इन्वेस्टिगेशन किया गया था। उसको मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा और डिपार्टमेंट कंसर्न को भी, जो एजेंसी को भी, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करना है तो नहीं करने से भी नहीं करना है बराबर है। एक दो को सिर्फ दिखा के पब्लिक का कुल एग्रेसिव को, जो गुस्सा को, एंगल्स को डाउन कूल करने के लिए करना है तो छोड़ना ही ठीक है, क्योंकि उसमें बायस इन्वेस्टिगेशन किया, प्रॉपर नहीं हुआ है। जब प्रेशर आ गया, एरेस्ट का राउंड जब चल रहा था तो हमारे अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर आके चाइना जो अनाउंस कर दिया एडिशनल फंड दिया गया, सब ठंडा हो गया। और हम लोग आम आदमी पब्लिक अभी जैसा भी इशू आने से स्टूडेंट बॉडी को क्वेश्चन करता है, हम लोग जैसे एक्टिविस्ट को क्वेश्चन करता है, हम लोग रोड का पैसा कहा के कम्प्रोमाइज होके चुप बैठा है, एक्चुअली में हम लोग चुप नहीं बैठा है, हम लोग जो काम करना था उसका मोर देन 3-4 times आगे करके हम लोग कर चुका है, लेकिन जो जुडिशरी का काम करना है, कोर्ट का काम का, गवर्नमेंट का जो एजेंसी का काम, एसआईसी का काम करना है, सीबीआई का, ईडी का करना है, वो हम नहीं कर सकता है, चार्जशीट करना है प्रॉपर, एडवोकेट का द्वारा से, पुलिस का द्वारा से, जो चार्जशीट का कोर्ट में भेजना है, एरेस्ट का काम को हम नहीं कर सकता है, वो हम लोग का भी लिमिटेशन है। पब्लिक आप लोग जागी है,
ये अवेयरनेस मिसेज को फैलाइए अपना भाई बहन घर परिवार सोसाइटी समाज में भी। जब भी केस जो कमजोर होता है गायब हो जाता है ब्लेम होता है एक्टिविस्ट को आरटी एक्टिविस्ट को और ऐसे स्टूडेंट बॉडी का लीडर को हमारे जो चांगना भाई स्ट्रॉन्गशी ला रहा है ऐसे लोग को हमारे जो जिन्हें से किसी एम्फो भाई को ऐसे को ब्लेम करता है ये ब्लेम गलत है। एक्चुअली जो मीडिया का रोल पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट जुडिशरी गवर्नमेंट का रोल को हम नहीं कर सकता जो हम करना है कर लिया। मेरा काम एक्चुअली एज एक्टिविस्ट आवाज उठाना है जैसे अभी कमला तू दुलुमु का बता दिया पब्लिक प्लेटफॉर्म अभी गवर्नमेंट का काम है 100 मोटो भी लेना एसआईसी पुलिस वहां का पब्लिक आला करना है गवर्नमेंट का कार्रवाई शुरू करना है ये होना चाहिए यहाँ में वो नहीं होता है। हम लोग को ज्यादा मतलब कभी कभी डीमोरलाइज हो जाता है। अभी सपा तो चाहेंगे जो रोड को भी बहुत जगह में यही क्वेश्चन होता है कि आप लोग इतना ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है अभी भी हमारे भाई लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं है लड़ रहा है हम नहीं कर रहे हैं एफआर लॉन्च करने वाला रजिस्टर करने वाला किसी का साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। कमियां यहाँ में पुलिस एसआईसी से कमियां है चार्जशीट फाइल करने में कमियां है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट कर नहीं पा रहा है वो कौन कौन पैसा खाया गया ब्लैक मनी को ट्रेस आउट नहीं कर पाया गया वो अप्रूवर नहीं पकड़ सक रहा है विटनेस नहीं बना सक रहा है डॉक्यूमेंट गैदरिंग नहीं कर पा रहा है वेरी वेरी पुअर चार्जशीट दे रहा है कोर्ट में किसी किसी को क्लीन चिट करके दे रहा है उसका वजह से केस कमजोर होता है उसका वजह से डर नहीं होता है सिस्टम को डर नहीं है लोगों को जुडिशरी को डर नहीं है। अगर कानून को डर करेगा ना जब भगवान को हम डरता है कानून को भी ऐसे डरेगा पक्का काम होगा। ये इशू को कैसे स्टार हुआ था एक सो ये इशू को फर्स्ट स्टार हुआ था 2019 को दिसंबर को हम लोग जो रास्ता में ये रास्ता जो चलने का लायक नहीं है बोल के गाड़ी जाने का लायक नहीं है बोल के जो हम लोग ने मार्केट से मछली लेने का बाद जो जाल देखा था हम लोग ने ये रास्ता चलने का लायक नहीं है बोल के तब डीसी ने क्या किया डीसी ने जो उस समय गेमन को सामान दिया कि मैंने क्यों ऐसे करने दे रहा बोल के डीसी ने वो सामान दिया था तो उस समय से हम लोग जो स्टार्ट किया ये रोड को हम लोग रोड के बीच में जो कुआं बना के मछली को डाल के मछली को जाल से पकड़ा है उसके बाद हम लोग रास्ता के बीच में जो कोल गाछी को लेके डाल के रखा ये रास्ता गाड़ी चलने का लायक नहीं है ये जो फार्म रहने का लायक है ये मैंने पॉन्ड रहने का लायक है बोल के हम लोग जो डेमोस्ट्रेशन शुरुआत किया था ये इशू के ये रास्ता जो तो उसके बाद जो 2020 में फिर जो कोरोना आने के कारण से तो डिले हो गया फिर 20 के बीच में जो हम लोग कंप्लेन किया था ये एसआईसी में कंप्लेन किया तो उस समय हम लोग से पहले जो उपाय याद जो उसका कंप्लेन था तो हम लोग को बोला कि इसका साथ आपको जाना पड़ेगा डबल कंप्लेन नहीं हो पाएगा तो हम लोग उसका साथ फॉलो किया। फॉलो करने के बाद जो क्या हुआ कि मैंने एसआईसी जो मैंने इमीडिएट बहुत क्या बोलते स्पीच वो नहीं करा था मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करा था जानबूझ के डिले करा था उसके बाद क्या किया कि ऑफिसर को डेली फर्स्ट में एक ऑफिसर को दिया था ताऊ सर को दिया था फिर नेक्स्ट डे एक तो सर को दिया है ऑफिसर को फिर जैसे प्लानिंग करता है ये लोग जो 3 महीने के बाद जो आयो इंचार्ज है उसको चेंज करते रहता है 3 महीने का भी चेंज होता है फिर नेक्स्ट आता है हम पूछते हैं तो अरे भाई हम तो नया आए हुए हम उसको अभी 3 महीना पढ़ना पड़ेगा बोले ऐसे ऐसे करते करते टाइम निकल गया ये लोग जान मुझके डिले करता है एसआईसी जो तो उसके बाद जो 2021 में जून जुलाई को जो हम लोग जो एसपी सर को लेके गया जयंता जो हेमंत तिवारी था उसमें एसपी जो तो उसको लेके जाने के बाद हम चाइंग जो लेके गया चाइंग जो मीटिंग बिताया मीटिंग बिताने का बाद हेमंत तिवारी सर ने बोला कि 3 महीना का अंदर में ये रोड का केस खत्म कर दिया बोला अभी 3 महीना 2 साल हो गया अभी क्यों ऐसा खत्म नहीं कर रहा है तो ऐसा होने के बाद जो हम लोग चारों एमएलए साहब भी मीटिंग में था चीफ सेक्रेटरी अंदर में मीटिंग में था तो अभी तक रेजोल्यूशन नहीं आने का ऐसा जी का क्या है माने नहीं आने का वो नहीं करने का रीजन जो अभी तक क्यों चार्जशीट नहीं फॉर्म नहीं कर रहा है 1 साल ज्यादा हो गया इसलिए हम लोग का चार्जशीट जल्दी फॉर्म करना चाहिए और जल्दी जो करप्शन हम लोग करते थे उसका कागज को हम लोग हाथ में लेकिन ऐसा जी का हम लोग क्यों नहीं पहुंच रहा है हम लोग बाहर भेजने वाला कान में कागज डिटेल मिल रहा है कि मैंने ये पैसा को खाया ये करप्ट किया लेकिन एसआईसी जो क्यों जान मुझके देखिए मैंने नहीं देखा ऐसे करा है तो हम लोग चाहते हैं कि मैंने एसआईसी इमीडिएट इसको चार्जशीट फॉर्म करना चाहिए और चार्जशीट फॉर्म करके इसको ये हम लोग ये चाहते हैं कि मैंने जो करप्ट किया टर्मिनेट करना चाहिए जो पैसा खा के रखा वापस निकल के रोड को बनाना चाहिए हम लोग का मकसद ये है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चार्जशीट जल्दी फॉर्म करो बोल के तो उसके बाद नेक्स्ट ये कि मतलब जो 20 करोड़ का ये इशू जो
21 नवंबर को सांगता जो मैं सीएम विजिट किया था, सीएम विजिट करते समय क्या हुआ कि आप लोग को ये रास्ता जो बहुत हो चल रहा है और हम देख रहा भी खुद देख रहा भी आवास मैंने प्रैक्टिकली विजिट भी किया है बोल के सीएम ने 20 करोड़ जो है मैंने अनाउंस किया था ये रास्ता खत्म करने के लिए। और ये 20 करोड़ जो ना और ये 20 करोड़ को जो कहने के लिए जो ये डिपार्टमेंट और जो कुछ हमारा कुछ एमएलए जो प्लानिंग किया है, प्लानिंग कैसे किया बताएगा। ये एनएसी रोड जो 172 करोड़ का रोड जो जब नेशनल जो ना सेंटर से जो फंड देते समय जो क्या होता है कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट 100 में से 1% स्टेट गवर्नमेंट शेयर करता है, 10% स्टेट गवर्नमेंट देना पड़ता है। आजकल 19 करोड़ 92 लाख जो वो स्टेट गवर्नमेंट का 10% शेयर वाला है, इसको ये लोग क्या नेम चेंज किया, कहने का सरवर यहाँ से किया है, स्कीम का नेम को चेंज किया है। फर्स्ट में स्कीम का नाम था कंस्ट्रक्शन इम्प्रूवमेंट सपोर्ट टू सेंटर रोड, तो इसको ये लोग चेंज किया कि मैंने क्या किया रेस्टोरेशन फ्लोर डैमेज ड्यूरिंग 17 to 21 years। अच्छा 17-18 का जो फ्लोर डैमेज वाला को ये पैसा को क्यों डाल रहा है और ये तो कहने चक्कर में। और देखा है उस दिन जो वो डीपीआर बनाया है कहने चक्कर में जाओ डीपीआर बनाया है कलबाट दितानिंगवाल कुछ कुछ और अभी जो कलबाट है अभी भी खत्म नहीं हो लेकिन उसका बिल पेमेंट हो गया। जो रिटर्निंग वाले कुछ तो गिर गया उसका भी आज बिल पेमेंट कर रहे हैं। जैसे होने के बाद जो हम लोग ने क्या किया आरती मैंने का बदल सपोर्ट देखा है ये 20 करोड़ का उसको तो हमने देखा तो हम लोग ये वेस्टर्न जोन का चीफ को हम लोग दस्तीज के मंगाया है मैंने। अच्छा ये 20 करोड़ को बिना टेंडर में कैसे आप दे सकता है, ये बिना टेंडर ये 20 करोड़ कैसे माने अभी बिल माने फालतू में वो क्या बोलते हैं विड्रो हो रहा है। तो हमने पूछा है तो जस्टिफिकेशन क्या दिया है, जो भी बिल ड्रो जो भी विड्रो जो भी केस को टेंडर नहीं हुआ है जो भी सब कुछ हो रहा है कंसर्न एमएलए का तरफ से हुआ है बोला गाइडेंस हुआ है बोला। तब ऐसे होने का बोले हम लोग ने हमारा चीफ को हम लोग एफ आर दिया क्यों आप अच्छा से गाइडेंस नहीं कर रहे लोग हमारा कंसर्न एक्शन को हम लोग ने जिमी जिलन को एफ आर दिया है और उसके बाद हमारा दौड़ में तो हमारे कंसर्न एमएलए को एफ आर दिया है आप क्यों पावर को मिसयूज कर रहा है जो। तो वो जो कंप्लेन जो अभी तक सेक्रेटरी में पड़ा हुआ है तो उसका अभी तक मैंने प्रोसेसिंग फंक्शन अभी तक मैंने फाइल नहीं करा, हम चाहता है कि इसको प्रोसेसिंग फंक्शन फाइल करना चाहिए ओके। तो इसलिए हम आज मैंने इतना नहीं बोलेगा जितना मेरा सीनियर डिटेल जो बताएगा तो मेरा यही है मनाज का हम लोग करेडी करना मकसद जो। थैंक यू। यहाँ जितना भी जो युवा लोग बैठे हुए हैं स्टूडेंट लोग और हमारे स्टूडेंट फॉर्मर स्टूडेंट लीडर लोग बैठे हुए हैं इससे पता चलता है हम कितना दर्द में हैं। इस कमिंग ऐसा हाल में अभी पहुंच गया है कि जो लोग करप्शन के बात करते हैं जो लोग उन्नति के बात करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस और डेवलपमेंट के लिए जो बात करने जाते हैं उसको सब लोग नफरत करते हैं उसके ऊपर में अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं और उसका अच्छा सोच को डाइवर्ट करते हैं और बताते हैं ये गलत सोच है। तो ये बहुत गलत ट्रेंड जा रहे हैं और दिस थिंग्स आई हैव सीन इन द मीडिया सोशल मीडिया में और लोगों को इंटरेक्शन करते भी है तो ऐसे चीज देखने को मिलते हैं। ये बहुत शर्मनाक और बहुत कंडेमनेबल चीज है और हम एक युवा होने के नाते इस खिलाफ इस सोच के खिलाफ हम लड़ना जो बहुत जरूरी है और आज हम इकट्ठा आज सिर्फ जितना है कल को इससे डबल होना है इस सोच को हम ले जाते रहना है। तो इसलिए ये चैंता जो रोड जो बचपन से देख के आया है मेरे बस्ती से गुजर के जाते हैं मैं भी करीब 22 किलोमीटर यहाँ शेयर करते हैं मेरा बस्ती जो पची अतरंग सिंगी 22 किलोमीटर हम भी शेयर करते हैं और बचपन में देखे हैं ऊपर वालों ने कितना तकलीफ से इससे बस से गुजरते थे लोग बस के ऊपर में बिना हुड का बिना कोई रस्सी का लोग एक आपस में गले मिलके बैठ के इतना तकलीफ से गुजरते थे और रो धो के लोग पास करते थे गाय लेके चावल बुक के चैनता जो बामिंग लादा एरिया के लोग वहां से गुजर के जाते थे बचपन में बहुत देखा है वो दर्द और वो दर्द को झेलने वाला आदमी लोग उस जमाने में शायद क्लास 8-9-10 पढ़ाई कर रहे थे 1990s में और उसी आदमी लोग तो कहीं ना कहीं अभी नेता कर रहा है और उसी आदमी लोग तो आज कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है
और उसी आदमी लोग तो कहीं ना कहीं मीडिया प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, और इतना तकलीफ झेलने के बाद आप थोड़ा कम से कम अपने जगह को दुख दर्द तू देखिए। अपने बस्ती में बुजुर्ग लोग अभी नदी पेड़ पौधा को जो चौकीदार करके रखे हैं, तो उन लोगों का उम्मीद का किरण भी बन के बैठी है। क्यों वहां को और भी अंधेरा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? जस्ट मेयर आपका उन पर्सनल पॉकेट का इंटरेस्ट के लिए, अपना ऐसो आराम, अपना आराम जिंदगी के लिए, अपना सारा को 1990s और 80s जैसे जमाना क्यों बना रहा है? इसको कंडम करना है क्या नहीं है? अरे ये कितना पोखर रगड़ रगड़ के बस में जाता था, सबको पता है स्टेट ट्रांसपोर्ट बस ऊपर में कैसे बैठता था, उठाव चढ़ाव कितने लोग घिरा दिए, मेरे आंखों का सामने बेबो कॉलोनी में गिरने वाले भी अब देखा है, पुटम एक तो अबोजो पीछे में नरा में अदम बुक के गिर के रखा, मेडिकल दर्ज ले गया, ऐसा बस से गिरने वाला भी देखा है। अभी उस जमाने में जो स्टूडेंट है वो लोग ही आज शासन कर रहे हैं, सोच विचार अपना जगह प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो सोच बदलना चाहिए, इस माइंडसेट को चेंजेस लाना चाहिए। इसलिए अपना इलाका को और सब तो पता है, बिना सड़के बिना रोड का कहां से उन्नति आएगा, कहां से डेवलपमेंट आएगा, कहां से परिवर्तन आएगा, कहां से टूरिज्म आएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। और इस चीज को समझने के बाद भी आज आप हमको ज्ञान देना चाहिए, मेरे भैया मेरे जितने भी सीनियर लोग हैं जो जिम्मेदारी है, जो ये मेस क्रिएट करके रखा है, आप हमको ज्ञान देने जगह में हमसे क्यों ज्ञान ले रहे हैं? कहने का मतलब आप सोच विचार सही सलामत क्यों नहीं ले जा रहे हैं? और इसके खिलाफ में हम युवा जो कहीं पीछे नहीं होना है, लड़ना चाहिए। इसलिए इस सड़क के ऊपर में हम जितने भी जो जिम्मेदारी लोग हैं, मैं इशू के बहुत गहरा ये जितने भी चार्टर लिखे हुए हैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन एज ए फॉर्मर स्टूडेंट लीडर, एज ए यूथ, एक कंसर्न सिटीजन के होने के नाते मैं अपील करूंगा जो जितने भी जनता है इस कमिंग हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, कोई भी डेवलपमेंट ऐसा चीज आए, पॉलिटिकल व्हील क्रिएट करना है। पॉलिटिकल व्हील जितने में राजनीति का एक वेव क्रिएट करना करने से ठीक है, चाहे वो लीडर हो, एमएलए हो, जिला हो, फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर जिला हो, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर हो, जर्नलिज्म हो, प्रोफेशन एनीथिंग, जो इस तरह का मुद्दा कोई उठाता है उसके सपोर्ट में सब लोग उतरना चाहिए, सब लोग बोलना चाहिए। और हम बहुत दुख की बात है, हमारे इस कमिंग में बहुत से लोग ऐसे कोई आवाज उठाते हैं तो पीछे चले जाते हैं। क्यों इस कमिंग ऐसा हो रहा है आप सभी को पता है? इस कमिंग में ज्यादातर क्लानिज्म होते हैं, जो लोग गवर्नमेंट लैंड को, डीसी बंगला को, एसपी बंगला को, एडीसी बंगला को लेते हैं, उसके खिलाफ में जो आवाज उठाते हैं, और क्लान बाजी का ज्यादा का वजह से ये सब ज्यादा हो रहा है। और बियॉन्ड द बैरियर में सोच का कमियां का वजह से, फ्यूचरिस्टिक तौर कमियां का वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए और जो करप्शन, किसी भी करप्शन उसके ऊपर में जो बोलते हैं उसके ऊपर में ज्यादा ये सब, मेरा बिलीफ कहना यह है, विश्वास कहना यह है कि क्लानिज्म का वजह से। इसलिए इस चीज को हम लोग लड़ना चाहिए, जितना भी अभी युवा जो पढ़े लिखे लोग आगे आना चाहिए, इस सोच के खिलाफ में लड़ना चाहिए और एक साथ एक जुटाव के रहना चाहिए। और जब भी ये आवाज उठाते हैं एक साथ वॉलंटरीली आना चाहिए, लड़ना चाहिए। मैं बस दो ये शब्द के लिए मैं सबको थैंक्स देता हूँ, समय दिया, थैंक यू सो मच।